वही नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला पुलिस ने महज 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल शुक्रवार को इंद्रलोक इलाके में सड़क किनारे एक 20 साल के युवक का शव मिला था। नॉर्थ जिले के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि बेकरी शॉप के मालिक ने मृतक से दो चोरी के लैपटॉप खरीदे थे, जिसके बाद से मृतक उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे ऐंठ रहा था। इस पर आरोपियों ने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में दो सगे भाइयों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक स्कूटर भी बरामद कर लिया है, जिसका इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने में किया गया था। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में थाना सराय रोहिल्ला के इंद्रलोक चौकी इलाके में 7 तारीख को एक डेड बॉडी मिलती है। एक रैप्ड की हुई कपड़े में रस्सी से बांधी हुई फुटपाथ पे। एकदम ब्लाइंड केस था, टीमें गठित की गई हर तरीके से, चाहे टेक्निकल सर्वेलेंस है सीसीटीवी या मोबाइल टेलीफोनी के हिसाब से, या हमारे जो मुखबिर हैं वहां पर जो ह्यूमन इंट है उस हिसाब से। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो गया था। आइडेंटिफाई हुआ ये लड़का अभिषेक करके, जो कि गुलाबीबाग थाने का रहने वाला है, और इस पे पहले ही 20 मुकदमे बर्गलरी के मेन है और आर्म्स एक्ट के भी हैं। नॉर्थ जिले के सराय रोहिल्ला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जी हां, सराय रोहिल्ला पुलिस ने 7 जनवरी को इंद्रलोक के में एक सड़क किनारे मिली लाश की हत्या की गुत्थी को महज 24 घंटे के अंदर सुलझाने का दावा किया है। साथ ही पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दो सगे भाइयों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उनके पास से हत्या में शामिल स्कूटर भी बरामद किया है। 7 जनवरी को पुलिस को सड़क किनारे एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान अभिषेक के रूप में हुई थी। जब पुलिस ने इस मर्डर की तहकीकात करना शुरू करी तो पुलिस ने इलाके में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और कैमरों को खंगालते हुए पुलिस हत्या के आरोपियों तक पहुंची है। फिलहाल पुलिस ने महज 24 घंटे में इस पूरे हत्याकांड को सुलझाया है, जिसकी इलाके में पूरी चर्चा है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ एम्बासी बॉबी, जनता न्यूज दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app. Available on Google Play and App Store. Download it now.